नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है अपना दलेस इंदौर जिला अध्यक्ष टीकम चंद शर्मा जी। अपना दलेस से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, तो किस तरीके की प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम नगर निकाय के चुनाव हमारे साथ चल रहे हैं, पंचायत के चुनाव और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो किस तरीके की तैयारियां अपना दल एस पार्टी की है प्रदेश के अंदर, और इंदौर स्तर पर अगर हम बात करते हैं, जिला स्तर पर अगर हम बात करते हैं, तो किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है? इंदौर जिले की बात करें तो हमारी पार्टी काफी मजबूत नजर आती है हमें, क्योंकि सालों से जनता दो ही पार्टी को देखती चली आ रही है और हम एक नई पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर मैं बात करता हूँ कि जैसा अभी हमने मीडिया में देखा कि अपना दल की कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और पार्टी लगातार बढ़ रही है, नए सदस्यों को जोड़ने की बात कर रही है, आपने कुल 1,10,00,000 सदस्यों को जो है अपने साथ जोड़ने का विधानसभा चुनाव से पहले का एक लक्ष्य रखा है, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है और किस तरीके से पार्टी का फॉर्मूला अपना रही है नए सदस्यों को साथ लाने के लिए, युवाओं को साथ लाने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं, आज के जमाने में प्रचार प्रसार के कई आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं, हम उनका भी उपयोग करेंगे। और दूसरी बात, दूसरी यह कि हम जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम सामाजिक सेवा करेंगे, उसके बाद हम उनसे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, यही हमारी योजना है। और मैं जानता हूँ, यानी मुझे ये भरोसा है कि मध्य प्रदेश में हम बहुत बड़ी पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही हमारा नाम भी मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति बड़े गर्व से जान पाएगा, नाम लेगा। और मैं यही अपील करता हूँ हमारे मध्य प्रदेश वासियों से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल, जो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाली महिला हैं, महिलाओं के लिए भी वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, और मैं महिलाओं से और कन्याओं से अपील करूंगा कि वो उनकी क्लिपिंग देखें और उनके भाषण देखें कि वो अपने भाषण कितने सुलभ तरीके से देती हैं और उनके विचारधाराएं कितनी अच्छी हैं महिलाओं के प्रति, देश के प्रति। बस मेरी यही अपील है कि हम मध्य प्रदेश में जब भी कदम बढ़ाएं आगे, तो हमारे साथ आप लोगों के कदम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और बेशक उम्मीद है कि जिस तरीके की तैयारियां अपना दल एस के मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, वो दिन दूर नहीं कि पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जैसी हालत अभी कांग्रेस में नजर आती है उस लिहाज से देखें तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभर सकती है अपना दल एस। बहुत बहुत धन्यवाद।